विदु सर मेरा आपसे एक सवाल है ऑन योर एंड मेरा सवाल है 70s and 80s वर कंसीडर्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड और इस इन दोनों के पीछे मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सलीम साहब और जावेद साहब जी तो एज ए डायरेक्टर आप कितना मिस इस बात को कितना मिस करते हैं कि आज सलीम साहब और जावेद साहब की बहुत ज्यादा जरूरत है मतलब यू आर बेस्ट ब्लेस्ड विद अभिजात सर एंड राजकुमार सर बट बहुत ज्यादा मिस करता हूँ बहुत ज्यादा मिस करता हूँ ये आज जो हमने कहा कि इट्स अबाउट द राइटर्स एंड जावेद साहब इज काइंड इनफ टू कम क्यों हम कह रहे हैं अब जब आप वजीर देखेंगे आपको पता चलेगा आपने पीके देखी होगी एक थ्री डेट आपको पता चलेगा कि जो राइटर हैं असल में वही फिल्म बनाते अगर आप इनके सलीम जावेद साहब की कोई भी फिल्म ले लीजिए दीवार ले लीजिए एक एक डायलॉग एक एक चीज आपको याद है आज क्या याद है मैं बताता हूं आपको क्या याद है फ्राइडे को कितना कलेक्शन हुआ संडे को ड्रॉप हो गया क्या तो नहीं चली कहां से कहां पहुंच गए हम लोग आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज है और जावेद साहब ने इतनी कमाल की नज्म पढ़ी है इसका मतलब है कि कहीं सिनेमा आर्ट है हम नहीं कहते बोरिंग बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है आप देखिएगा वजीर बहुत मजा आएगा आपको मैं बुरी तरह कुछ बोलने वाला था फिर मैंने सोचा प्रेस है तो मैं बोल नहीं रहा हूं पर बिल्कुल हाथ में आ जाएगा आप देखिएगा क्यों आएगा क्योंकि 4 साल हमने लिखी कहानी 4-5 साल आज यू नो व्हाट यू सेड फरहान ने जो कहा इट रियली मूव्ड मी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि लक्ष्य के फर्स्ट हाफ की तारीफ की थी और सेकंड हाफ की बुराई की थी माफ कीजिएगा मैं बोल देता मुझे निकलने से पहले घर से बीवी ट्रेन करके भेजती कि किसी की बुराई मत करना लेकिन आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की 10 साल पहले फरहान ने ये पढ़ी थी मैंने कहा था कहानी सुनो एक और बात बताता हूं जो फरहान साहब ने बताई नहीं है जब फरहान ने यस बोल दिया तो उन दिनों जावेद साहब और मेरा बहुत चल रहा था तो मैंने कहा यार ये कैसे इसने यस बोल दिया जावेद साहब आपको बताई नहीं बात तो फरहान आया मैंने कहा यार तूने यस कैसे बोल दिया मैं तो बहुत खराब आदमी हूं बोला आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है क्या तो आप पढ़िए आपको भी मैं झेल लूंगा कहानी इतनी अच्छी है तो सर कहानी इनको हम इतना मिस करते हैं कि आज के जमाने में कहां है वो बहुत जरूरी है इनका होना तो आई रियली जावेद साहब एक एक कहानी आप लीजिए तो आई रियली मिस गुड राइटिंग